हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, कोच, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारी लेडीज को प्रसूति के बाद में मानसिक बीमारी होती है। मतलब कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 1000 डिलीवरी यदि होती है, प्रसूति होती है, तो उसमें एक या दो लेडीज को ये मानसिक बीमारी होती है। हो सकता है कि उनको लड़की हुई करके या लड़का हुआ करके, पता नहीं, मतलब दोनों में कॉमन है, मगर उनको ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें वो बातें करना जैसा इरिलेवेंट, जो हमको समझती नहीं ऐसी बातें करना, बेकी बेकी बातें करना, हंसना, या बहुत उदासीनता, नर्वसनेस, नींद नहीं आना, खाना नहीं खाना। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ देना लोगों को होता है, घर के लोगों को, वो ये कि बच्चे की तरफ ख्याल देने का नहीं, बच्चों को दूध भी पिलाने का नहीं, बच्चों को गोद में भी लेने का नहीं। तो ऐसी जब प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नाती भी नहीं है, मतलब खुद का हाइजीन रखना, भाई बांट लेना ऐसा भी नहीं, कुछ अपने आप से बड़बड़ करना, या कभी कभी खुदकुशी करने की कोशिश करना, ये प्रसूति के बाद में 6 हफ्ते होने के चांसेस, 6 हफ्ते तक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अभी ये जो है, ये देहातों में तो ऐसी बातें होती है कि नहीं, कुछ तो भी बाहर का है, उसको हवा लग गई है, कुछ तो भी पानी किसने पिलाने को दिया है, या किसने कुछ तो भी चेटुक कर दिया, मतलब इस तरह का होते रहता है। ये एक्चुअली इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस, और ये टिपिकली, मतलब बिल्कुल खास, इसको यदि दवा हम देते हैं तो दवा से ये 101% ये अच्छा हो सकता है, मगर वो हमारे तरफ आना जरूरी है। उसमें बच्चे का पालन पोषण करना, वो उसको नहीं होता है तो उसके लिए केयर टेकर होना पेशेंट के साथ में, हम आने के बाद में उसको पहले सुलाते हैं, उसको सलाइन वलाइन देके, आईवी फीड देके, पहले उसका जो खाना पीना बंद हुआ रहता है उसके बारे में उसका इलाज करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन, टैबलेट्स, जो भी है देना है वो। और कभी कभी कुछ ऐसी बीमारी होती है प्रसूति के बाद की, मानसिक बीमारी, कि जिसमें हमको शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, क्योंकि वो शॉक ट्रीटमेंट दिए बिना अच्छी होती नहीं है। तो ये जो बीमारी है, मानसिक समस्या, ये आप काफ़ी लोगों में देखी होंगी, आपको आपने देखा होगा, जाना होगा लोगों को कि वह ऐसा है, तो उसमें कुछ बाहर का नहीं है, बाहर की बाधा कुछ हुई नहीं है, उनको डॉक्टर की तरफ ले जाना और उसका इलाज करना वो जरूरी है। उसका इलाज किए तो 101% वो अच्छी हो सकती है। तो इसलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आम जनता को ये मालूम पड़े कि मानसिक समस्या और अच्छी हो सकती है, और वो लेडी जो है वो अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकती है। थैंक यू भाई।